हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और पहली बड़ी खबर यूट्यूबर एल्विश से जुड़ी हुई। एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई का है, जिसमें एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण के तहत केस दर्ज किया। दरअसल नोएडा सेक्टर 51 में पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो रेव पार्टियों में जहरीले सांप का जहर नशे के लिए सप्लाई करते थे। अब आरोपों पर एल्विश यादव ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। उनका कहना है कि सभी आरोप झूठे हैं, वो पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर एल्विश सही है तो सामने क्यों नहीं आ रहे। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव। और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ़। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं आपको रेव पार्टियों में सांपों की जहर सप्लाई के खुलासे के बारे में न्यूज 18 ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। न्यूज 18 के पास पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के गौरव और इस केस के मुख्य आरोपी राहुल से बातचीत का एक पूरा ऑडियो क्लिप है, जिसमें गौरव ने एक सपेरा बनकर राहुल से बात की, मिलने के लिए जगह और वक्त तय किया ताकि सभी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। आपको इसी बातचीत का एक अंश सुनाते हैं। हेलो। हाँ जी, भाई साहब, ये जो सांप वगैरह बोल रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं, ठीक है। मतलब बाकी कैसे हम बैंड, मतलब गवर्नमेंट ने सांप रखना है ना, बैन कर रखे हैं। तो भैया मैं खरीद थोड़ी ना रहा हूँ। नहीं, ये क्या है ना, हम सपेरे हैं। अच्छा देखो, तो पहले क्या था, सांप बीन का खेल दिखा लिया करते थे, उसके बाद उन्होंने बैन करा दिए, तो अब ये वाला ग्रुप बना रखा है हमने बीन पार्टी का। ज्यादा जैसे अब आपको रिक्वायरमेंट है ना, हाँ तो हाँ एक आध सांप अपने रिक्स पे ले आते हैं। अब जैसे आप 7 और 11 सांप की बोल रहे हो, तो उसमें फिर ये मतलब आपको ही परमिशन वगैरह या फिर कोई रिक्स होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग कंप्लेंट कर देते हैं। भैया रिस्क क्या होगा, पुलिस को, किसी को क्या रिक्स ये पता। होता है, सुनो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है एक, जो जैसे ये भीख वीख मांगते हैं लोग और फॉरनर को परेशान करते हैं, तो सांप वगैरह रखते हैं ना, उनको सबको वो अरेस्ट कर लेते हैं, अच्छा, तो उसकी वजह से ये सब हमने रखना बंद कर दिया। तब ये बीन पार्टी का ग्रुप हमने शादियों में, पार्टियों में, ये मतलब ये कर रखा है। बिल्कुल तो दिक्कत ये है कि 7 सांप 11 सांप आप जो बता रहे हो ना, करने को तो कर देंगे, लेकिन वो क्या है कि फिर आपके ऊपर आए, मतलब आप, आपकी हेडिंग वो है। है भैया, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो मतलब ये है कि हमें हमारे घर से आप अपने यहाँ तक, और आप आपके वहां से वापस हमारे घर तक, आपको आपकी वो होगी सिक्योरिटी रहे, मतलब कोई कोई बात नहीं, आप को वापसी में छुड़वा देंगे, फिर और क्या करें कैब में। नहीं, गाड़ी वगैरह तो चलो हम कर लेंगे उसका, अच्छा आप ठीक मतलब कन्वेंस जो भी होगा वो दे देना, है, लेकिन बिल्कुल आने जाने की, उसके बीच में, बीच कोई दौरान कुछ हमें अगर कोई परेशान करता है, तो उसकी हेडिंग बात आपकी होगी। क्या नहीं, वो तो देख लेंगे यार। है ना, क्योंकि मिलते नहीं है अभी, ये क्या है, मुझे राजस्थान या फिर इधर यूपी साइड जाना पड़ेगा सांप वगैरह लाने के लिए, और पार्टी हमारी ये दिल्ली की है। आप गाजियाबाद का कौन सी जगह से बोल रहे हो? लोनी। लोनी? तो लोनी में तो मैं मतलब आता रहता हूँ प्रोग्राम वैसे शादियों के करने के लिए,
ये भोपरा हो गया, लोनी हो गया, अपना अच्छा ब्यावली गांव हो गया, हाँ जो हमारा तो ढोल बैंड बाजे का सब चीज का इसी का काम है। ये सांप वगैरह तो मतलब बंद हो गए हैं। तो मतलब आप आप एक जन्मदिन काम में कर दो, फिर हाँ आप जी, नोएडा तक आ जाना, वहां से फिर हम मैं अपने साथ ले लूंगा आपको। वो ऐसा है ना, फिर ग्रुप के बंदे रहेंगे हमारे, 7 आदमियों की टीम आएंगी, वो प्रोग्राम करेंगे, डांस हमें वगैरह करना तो करेंगे। नोएडा में है ना, प्रोग्राम तो नोएडा भैया में तीन हमारा तीन तुम्हारा बंदों, 3 4 बंदों का कर लो, 7 आदमी तो फिर बहुत हो जाएंगे, क्योंकि वो वाले भी आ रहे हैं, फिर कैमरा मैन होगा, इतने सबको तो कैसे थालियां खिलाएंगे, 7 आदमी थोड़ा तो सा करना इसमें क्या है ना, पड़ेगा। 2 7 8 आप जो सांप बता रहे हो इनको, 2 से 3 बंदे तो आपके फुटेज वगैरह आप होंगे, वो मुझे पता है आप किस टाइम का प्रोग्राम कराना चाह रहे हो, वो जो फोटो फोटो वगैरह लोगे हाँ, फोटो फोटो और फोटो इनकी होनी चाहिए। चल जानकारी वगैरह देनी पड़ेगी आपको। तो 2 से 3 लोग तो हमारे इनकी ठीक है, तो जानकारी और मतलब इनको, ऐसा हो जाए ना, जो गले में सांप डलवा के हाँ आदमियों को मैं एक फोटो। वीडियो और भेज देता हूँ, मैंने किया हुआ है, बाहर के फॉरेनर लोग आते हैं हाँ, मेरे अजगर पास। अजगर अजगर होता है ना, मोटे वाला सांप, हाँ, वो गले में। अजगर तो नहीं होगा फिलहाल, ब्लैक कोबरा, पदम नाग, मतलब 2 3 वैरायटी आ जाएगी इसके अंदर। भैया भैया आप ना वैसे ले आओ जो खतरनाक ना हो यार, कहीं लोग डर के भाग जाए। नहीं 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 खतरनाक नहीं, इनके ट्रेनर भी आएंगे और इन्हें संभालने वाले भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने गले में घेरो, फोटो खिंचाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भैया पैसे का कितने का होगा, तो पैसे बता दो। उसके तो भाई उसका 7 8 जो आप बता रहे हो ना, 7 8 जा, वो तो ग्यारह बड़ा ग्रुप ग्यारह है, हो जाए, 9 11 तो ये बड़ा ग्रुप है भाई, ये तो कम से कम 31,000 रुपये लेते हैं इसके। मैं आपको एक ग्यारह वीडियो भेज सांप रहा हूँ, के 11 सांप के 7 बंदे आएंगे ट्रेनर के साथ, और बकायदा आपके कन्वेंस वगैरह सब कुछ होंगे। वो मैं तो का। आपका वैसा प्रोग्राम सोच रहा था जो अभी मैंने वीडियो भेजी है नहीं ना, नहीं नहीं ये तो भैया मैं ढोल मैं वाली तो इस बजा टाइप का लूंगा, प्रोग्राम सोच रहा था। मैं तो फिर ढोली बजवा लूंगा भैया, बुला तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये पार्टी और उस पार्टी में अगर एक आध सांप लेना है ना, तो मैं ये जो अभी मैंने वीडियो दी है ना आपको, ये नहीं। इसके साथ भेज दूंगा। अगर मतलब थोड़ा फॉर्मेलिटी करना है, अगर वो प्रोग्राम कराओगे तो उसमें ट्रेनर आएंगे, तो अच्छा फिर वो उनकी तो अपनी उन्हीं की हिसाब की फीस होगी ना, नहीं, इनकी तो फीस इनके हिसाब की होती है। 11 वाला बताओ आप कितने का करोगे। तो 11 भाई हम बता तो रहा हूँ, मैं कम से कम 31,000 रुपये लेते हैं अरे हम इस भैया चीज सुनो के। सुनो, हम मैं मैं एक तुम आपको वीडियो सुनो, भेज रहा हूँ, आप पहले आप मेरे चेक को कर वीडियो लो। भेज रहा है, मैं दूंगा हाँ 11,000 रुपये लास्ट, जी, 11,000 रुपये दूंगा मैं आपको। 11,000 रुपये में सांप भी और बंदे भी। अब 3 बंदे, 3 4 बंदे ही चाहिए हमें, क्यों खाना खाना भी तो हो जाए भैया, खाने खाने की थालियां भी तो यार हम होंगी उनकी, क्या 1,000 1,000 रुपये का तो खाने की थाली यही पड़ जाती है हमें। आप कोई दिक्कत नहीं, 11,000 रुपये की जो आपकी थालियां है ना, वो आप हमें थालियां मत खिलाना, आप हमें। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए गिरोह पार्टियों में जहर सप्लाई करते थे और मोटी रकम वसूलते थे। इनके पास से 9 जहरीले सांप बरामद हुए हैं और साथ ही 20 से 25 ml नशीला जहर भी बरामद हुआ है। थाना सेक्टर 49 का ये पूरा मामला है। एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता हैं, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एलविश यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था, जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को का विष निकाल करके उसे रेव पार्टी में यूज करते हैं। इस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। सर कितने नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितने लोग खिलाफ? इसमें 6 लोगों के नामजद हैं, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। सर एलविश यादव का बैकग्राउंड क्या है? वो जो मुझे पता चला है कि वो जो रियलिटी शो बिग बॉस है उसके विजेता हैं और वो डांस वगैरह भी करते हैं। इस पर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इन लोगों की? अब इस पर हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी ही हो जाएगी। एक्चुअली कल शाम को एक सूचना मिली PFA के माध्यम से कि कुछ सांप को लेके लीगल ट्रेड होने की संभावना है, जिसको देखते हुए तत्काल मैंने फॉरेस्ट की टीम को मौके पर भेजा और PFA फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई की गई। सर बात करें तो कुल कितने लोग गिरफ्तार हैं, और जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि इसका जो वेनम मिला है ये रेप पार्टियों में इस्तेमाल होता था? हाँ, इस तरह के इनपुट थे हमारे पास कि ये स्नेक वेनम का इस्तेमाल जो है प्लेजर ड्रग के रूप में कई पार्टियों में किया जाता है। इसको लेकर के काफी समय से हम लोग फॉलो अप में थे,
पीएफए द्वारा इसको ट्रैप किया, ट्रैप लगाया गया था, जिसमें ये कल लोग फंसे हैं और इनको अरेस्ट किया गया है। इनमें 5 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है। और इसी मामले को लेकर वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जो दोषी होगा उस पर एक्शन भी होगा। वहीं मेनका गांधी के एनजीओ ने इस मामले में एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए ऐसा है, पीपल्स फॉर एनिमल पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक साथ ज्वाइंट अटैक किया है, ज्वाइंट लोगों को पकड़ा है, एक तरफा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 9 सांप मिले हैं और वो पॉइजनस हैं, और इसलिए हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी। सर, इनके तहत कार्रवाई होगी, कितने साल तक की इसमें सजा है और इस तरह के लोगों पे और क्या कुछ आप मैसेज? इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सर, इस तरह के बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जब वो इस तरह के काम करते हैं तो इससे आम जनता को